हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि आप सब कैसे अपने फोन को एक नोकिया 1280 में चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, शुरू में एक ऐप मैंने डाउनलोड किया है, ये एक लॉन्चर ऐप है और यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम पे देखा बहुत सारे रील्स बन रहे हैं इस पे, तो मैंने सोचा चलो यार इसके ऊपर टॉपिक पे तो वीडियो बनाना जरूरी ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारे पास ऐप आ चुका हुआ है एंड नोकिया 1280 का ये लॉन्चर है, आपके फोन में लॉन्च होगा एंड इस सेटिंग्स को करने के बाद आपका जो एंड्रॉइड फोन है ना वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा नोकिया के फोन में। यहाँ पर ओपन करता हूँ इस ऐप को। आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपको कुछ नहीं कहेगा करने के लिए। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर डिफॉल्ट, यहाँ पर लॉन्चर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही क्लिक करते हो दोस्तों, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर तो सबसे फर्स्ट में आपका यहाँ पर स्मार्ट लॉन्चर जो आपके फोन का है एंड यहाँ पर दूसरा जो है यहाँ पर नोकिया 1280 लॉन्चर है, तो इसके ऊपर क्लिक कर लेना है सिंपल से। आप जैसे ही क्लिक करोगे भाई आपके फोन यहाँ पर देखो, ये एंड्रॉइड फोन है, देख लो एक बार पहले, ये एंड्रॉइड फोन है एंड ये बन चुका है यहाँ पर नोकिया का फोन। सामने से देखने में क्या लग रहा है भाई, एकदम अट्रैक्टिव चीज लग रहा है यहाँ पर सामने से। एंड बटन का साउंड एक बार सुनो, ये देखो देखो काफी अट्रैक्टिव है। एंड जो देखो यहाँ पर ऐप जो खुल चुका हुआ है, मैं आपको बताने वाला था लेकिन ये पहले ही खोल दिया है भाई साहब। एंड यहाँ पर आपको जो है ऐप्स खुल जाते हैं, बहुत सारे सेटिंग्स इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले ऐप जो ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर बीच वाला ओपन क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपका ऐप ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको स्क्रीन टच जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है भाई साहब, काफ़ी गजब का ऐप है भाई, काफ़ी गजब का ऐप है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपका ऐप जो है ओपन हो चुका है एंड यहाँ से आप कोई भी ऐप ओपन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऐप ओपन हो गया। चलो इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, ये देखो इंस्टाग्राम ओपन किया, इंस्टाग्राम इजीली ओपन हो चुका हुआ है एंड भाई काफ़ी गजब का ऐप है, मजे ले सकते हो। एंड आप अपने दोस्त के सामने चलाओगे तो ना वो कहेगा कि भाई क्या बात है यार, तेरे पास ये फ़ोन कहाँ से आ गया, लेकिन वो जब पीछे का देखेगा तो कहेगा यार ये तो स्मार्टफोन है। तो अब चलिए बात करते हैं इसके सेटिंग्स के बारे में। तो पहला सेटिंग तो मैंने आपको बता दिया, पहला सेटिंग तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पर जो है ऐप्स के बारे में। ठीक है, तो इसे हम लोग कट करते हैं एंड यहाँ पर आपको एक और बटन मिलता है यहाँ पर रेड बटन के ऊपर, यहाँ पर ये बटन मिल जाता है। तो यहाँ से आप अपने वाईफाई चेंज कर सकते हो, वाईफाई को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ मिल जाता है एंड यहाँ पर नेटवर्क का ऑप्शन भी मिल जाता है एंड आपको ब्राइटनेस का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जो कि काफ़ी गजब है। चलिए ब्राइटनेस बढ़ाकर देखते हैं कि बढ़ता है कि नहीं। तो हाँ गाइस, ये वर्किंग है, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ब्राइटनेस जो है बढ़ घट रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्किंग है। ओके, अब चलिए बात करते हैं, यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं। पहले कट करने के बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है गो का, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो ये लॉन्चर्स का कुछ थीम्स का ऑप्शन है जिसे हम लोग बाद में चेक करेंगे। एंड यहाँ पर सबसे पहले अगर आप लोग को कॉल्स करना है, जैसे कि कोई नंबर बता रहा है आपको, तो यहाँ पर हम लोग नंबर्स टाइप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप का, तो इसे हम लोग कट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर टाइम भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जो अभी रियल टाइम चल रहा है ना वही टाइम यहाँ पर है। बैटरी 36% है वो भी दिख रहा है, यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट है वो भी दिख रहा है एंड यहाँ पर आप लोग को 4G भाई साहब सब कुछ यहाँ पर आपको 28 तारीख है, सब कुछ मैनुअली। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन बटन्स मिल जाता है जिसमें टॉर्च है, चलो इसको टैप करके देखते हैं कि हम लोग का जो टॉर्च है। अरे गाइस, भाई साहब क्या बात है यार, यहाँ पर टॉर्च जो है यहाँ पर इस वाले बटन से जल गया। अब चलो इस वाले बटन को टिप के दिखाता हूँ कि भाई ये टॉर्च जो है बंद होता है। चलिए देखिए, ये देखो इसको मैंने टैप, गाइस टॉर्च भी बंद हो चुका है भाई। ये ऐप तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ऐप है और काफ़ी बेस्ट ऐप है एंड आप इसे यूज कर सकते हो मैनुअली एंड आपको बहुत सारे एंड यहाँ पर लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, चलो लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो ओ गाइस, इसका स्क्रीन जो है यहाँ पर लॉक हो चुका हुआ है, अब यहाँ पर कोई भी ऐप जो है काम नहीं कर रहा है। ये देखो पासवर्ड मांग रहा है, तो हम लोग को पासवर्ड एंटर करने के लिए सिंपल से वही वाला बटन क्लिक करना है। ये देखो इस पर क्लिक करना है, एक बार क्लिक करना है क्या, अच्छा हाँ ये वाला क्लिक करके ये वाला क्लिक करना है, ये वाला करके ये वाला करना है। ओ मैंने तो यूज नहीं किया था इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा था, तो यहाँ पर इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो गाइस ये काफ़ी अट्रैक्टिव ऐप है भाई साहब, इसमें मैंने आपको बहुत सारे फीचर्स के बारे में बताया अभी, जैसे कि यहाँ पर लॉक लगा सकते हो, लॉक लग गया इस पर क्लिक करना है, फिर से यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, लॉक अनलॉक हो गया भाई, काफ़ी गजब ऐप है एंड ये यूज करके ना आप बहुत अच्छा तरीके से अपने स्मार्टफोन को नोकिए में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत गजब ऐप है, यहाँ पर हर एक चीज़, हर एक बटन यहाँ पे काम कर रहा है, जो इसमें आपको मिलता है फ्यूचर्स वो सब यहाँ पर आपको काम कर रहा है। मैंने पूरा यहाँ पर आपको काम करके दिखाया एंड यहाँ पर ऊपर से आप अपने स्मार्टफोन को यूज कर सकते हो, ये देखो मैनुअली यहाँ पर देखो यूज कर सकते हो। अब बताया था दोस्तों कि आप इस लॉन्चर को हटाना चाहते हो, ठीक है, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल से इस वाले बटन पर क्लिक करना है,
नीचे आना है, यहाँ पर लिखा होगा एग्जिट द लॉन्चर, ठीक है, इस पर ऊपर क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर स्मार्टफोन का आपका लॉन्चर है तो इस पर क्लिक करो भाई, आपका लॉन्चर यहाँ पे आ चुका हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा वीडियो बनाने में, क्योंकि इसमें मुझे बहुत कुछ देखने के लिए मिला एंड नोकिया का लॉन्चर यहाँ पर चलाने के लिए मिला गाइस, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक बटन दबा दो, इस नोकिया लॉन्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड करो एंड यूज करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।